नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। क्या बिहार एनडीए में सब कुछ सही चल रहा है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी की दूरियां बढ़ रही है? यह सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बुधवार को जेपी गंगा पथ के गाय घाट से कंगन घाट तक के पथांश का लोकार्पण किया। 3 किलोमीटर गंगा पथ के शुभारंभ किए जाने को लेकर नीतीश सरकार ने अखबारों में विज्ञापन भी जारी किए थे। विज्ञापन से डिप्टी सीएम यानी कि सम्राट चौधरी को गायब कर दिया गया, यहाँ तक कि उनका नाम भी नहीं था। पथ निर्माण विभाग की तरफ से आमंत्रण पत्र भेजे गए, वहां से भी सम्राट चौधरी का नाम गायब था। विज्ञापन में मुख्यमंत्री को उद्घाटनकर्ता स्पीकर नंद किशोर यादव को मुख्य अतिथि, स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद की गरिमामय उपस्थिति और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के बारे में जानकारी दी गई। गंगा नदी के किनारे आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह तमाम अतिथि तो मौजूद थे ही, डिप्टी सीएम सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी उपस्थित थे। हालांकि कार्यक्रम के दौरान वह थोड़ी दूरी बरतते दिख रहे थे, वैसे भी बिना आमंत्रण के कार्यक्रम में तो शिरकत किए नहीं होंगे। जब उन्हें आमंत्रण दिया गया था तो फिर कार्यक्रम स्थल पर लगे बैनर पोस्टर और आमंत्रण पत्र के साथ साथ विज्ञापन में उनका नाम क्यों नहीं था, यह बड़ा सवाल है। हालांकि इस पर कोई भी कुछ बोलने से बचते दिख रहा है। यह तस्वीर सामने आने के बाद अब तरह तरह की राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर से एक बार ठेकेदार का पैर छूने के लिए उठ गए। वे हाथ जोड़ते हुए अपनी सीट से उठ गए। वे कार्यक्रम स्थल पर मौजूद पुल निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि का पैर छूने के लिए आगे बढ़े। यह दृश्य देखकर कंपनी के प्रतिनिधि अचानक से पीछे हट गए और कहा, नहीं नहीं सर, ऐसा मत करिए। यह दृश्य पथ निर्माण विभाग के एक उद्घाटन कार्यक्रम में दिखा। दरअसल पथ निर्माण विभाग की तरफ से आज यानी कि बुधवार को गंगा पथ के गाय घाट से कंगन घाट के पथांश का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ साथ स्पीकर नंद किशोर यादव भी मौके पर मौजूद थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पैर छूने को बेताब नजर आए। सीएम नीतीश कुमार ने गायघाट से कंगन घाट के पथांश का उद्घाटन कार्यक्रम के बाद गंगा पथ के दीदारगंज तक पूरा होने वाले काम के बारे में जानकारी मांगी। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जानकारी दे रहे थे। इसी बीच उन्होंने गंगा नदी पर बन रहे राघोपुर 6 लेन पुल के बारे में अपडेट मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण कार्य पूरा करिए। एसीएस प्रत्यय अमृत ने कहा कि अक्टूबर तक काम पूरा हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कंपनी के प्रतिनिधि को खोजा। कंपनी के प्रतिनिधि सामने आए और बोले कि पूरी कोशिश है कि अक्टूबर तक काम पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि राघोपुर साइड में जून 25 तक सड़क का काम पूरा कर देंगे। यह सुनते ही नीतीश कुमार टेंशन में आ गए और कहा कि ऐसा क्यों, अगर आप काम पूरा नहीं करेंगे तो सिर्फ पुल तैयार करने से क्या फायदा होगा, राघोपुर तो जुड़ेगा ही नहीं, आप जल्दी से काम करिए। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़ते हुए अपनी जगह से उठ गए और कहा कि कहिए तो हम आपका पैर छू लेते हैं। मुख्यमंत्री को हाथ जोड़कर पैर छूने की बात कहते सुन कंपनी के प्रतिनिधि पीछे हटे। प्रत्यय अमृत भी काफी ज्यादा चौंक गए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को समझाया, इसके बाद भी वे नहीं मान रहे थे और जल्द से जल्द पुल निर्माण की बातें कह रहे थे कि आपको क्या दिक्कत है, बताइए हम सारी दिक्कतों को पूरा करेंगे, पैसे की दिक्कत है तो बताइए, सारी समस्या का समाधान होगा। इस दौरान दूसरे दफे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कंपनी के प्रतिनिधि का पैर छूने आगे बढ़े, लेकिन वहां मौजूद अधिकारियों ने नीतीश कुमार को ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन इन सारे वारदात के क्रम में चर्चा का विषय रहा तो मुख्यमंत्री का पैर छूना और दूसरी यह बात कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिन बुलाए वहां पहुंचे थे या फिर उन्हें निमंत्रण मिला था, और अगर निमंत्रण मिला था तो फिर जो विज्ञापन जारी किए गए या फिर जो बैनर पोस्टर लगाए गए उससे उनकी तस्वीर और नाम दोनों गायब क्यों थे। इससे कहीं ना कहीं यह बात और को जोड़ मिल रही है कि शायद नीतीश कुमार से थोड़ा बहुत मनमुटाव सम्राट चौधरी का हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, यह सब बेकार की बातें हैं या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।